नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन माह में की गई भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा भी बहुत ज्यादा फलदायी सिद्ध होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सावन माह में भगवान शिव को एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं और इस महीने में भगवान शिव जी की आराधना करना बेहद ही लाभदायक माना जाता है। दरअसल यह माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में जो भी व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु निंद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव को देखना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कुंवारी लड़की सावन के सोमवार का व्रत करे तो उसे मनचाहा वर मिलता है और यदि सुहागिन स्त्री सावन के सोमवार का व्रत रखती है तो उसके सुहाग की आयु लंबी होती है। शास्त्रों के मुताबिक माता पार्वती ने भी सावन के सोमवार का व्रत रखा था ताकि भगवान शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सके। और दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी प्रिय चीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि आप इस चीज को सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो आपकी मनचाही मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, बस आपको सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ शंकर को इस खास चीज को चढ़ा देना है। भोले बाबा की कृपा आप पर बरसेगी और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। आप सावन माह के किसी भी सोमवार के दिन स्नान आदि करके भगवान शिव शंकर के मंदिर जाएं, उसके बाद शिवलिंग के समीप घी का दीपक जलाएं और उसके बाद शिवलिंग को कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ाएं, यानी कि उनसे उनका अभिषेक करें, उन्हें स्नान कराएं और 21 बेल पत्थर पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, बेल पत्र अर्पित करने के बाद आपकी सभी मनोकामना शिवलिंग पर माथा टेक कर बोल देनी है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी, साथ ही ऐसा करने से धन के विशेष योग बनते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी कि चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए बेलपत्र आपको चढ़ाना है। दोस्तों, बेलपत्र को हमेशा अनामिका यानी कि अंगूठे और मध्यम उंगली की मदद से चढ़ाएं और शिवजी को बेलपत्र अर्पण करने के साथ साथ जल की धारा जरूर चढ़ाएं। ध्यान रहे कि पत्तियां कटी फटी ना हो। दोस्तों, आपके ऊपर विशेष तौर पर भगवान शिव की असीम कृपा बरसती रहेगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।